वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बस मैं आपको आज पांच ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपका पबजी लैग नहीं होगा। पोको M2 जो आप चला रहे होगे तो उसमें क्या होता है, आपका पबजी खेलते समय बहुत लैग होता है। सो आज मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको उसको पूरा देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि ये सब एक साथ वर्क करती है। ओके गाइस, सो एक भी स्टेप अगर हम मिस करती हो तो शायद आप पर ही काम ना करें। फर्स्ट ट्रिक ये है गाइस, कैश डेटा की। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा कैश डेटा से भी कुछ होता है। लेकिन गाइस कैश डेटा भी मेन होता है, छोटा छोटा MB बनकर ही वो GB में कन्वर्ट होता है। सो गाइस अगर आपको ये काम कर इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे आप जब कभी भी कोई भी एप्लीकेशन पर कुछ टाइम स्पेंड करते हो तो उससे कैश डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। अब जितने टाइम स्पेंड करते हो तो उतना कैश डेटा बढ़ जाता है। तो मान लो आप सबसे ज़्यादा पबजी यूज़ करते हो या यूट्यूब, तो आपने एक दो घंटा चलाया तो 300-400 MB उसमें कैश डेटा कन्वर्ट हो जाता है। सो गाइस आपको करना क्या है कि उस कैश डेटा को जब भी आप एप्लीकेशन क्लोज़ करते हो तो आपको कैश डेटा क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा कैश डेटा भी आप पर लोड कर देता है मोबाइल पर छोटा सा। तो ये पहली ट्रिक है, तो आपको कैश जब डेटा क्लियर करना है जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन क्लोज करते हो। अब नेक्स्ट ट्रिक है अपनी, ये है कूलिंग की। मतलब मोबाइल जब भी हीट होता है, जब बहुत सारे लोड हो उस पर, तो अगर आसपास कूल रहेगा हर चीज़ तो मोबाइल गर्म ही नहीं होगा। तो अपन को करना क्या है, अपन को पंखे के नीचे बैठ के पबजी खेलना है या फिर कुछ भी चलाना है, ठीक है। पंखा के नीचे या कोई कूलिंग जगह या थोड़ी थोड़ी देर में अपने मोबाइल को कूल कर लेना है। तो ये हो गई अपनी सेकेंड ट्रिक। और थर्ड ट्रिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहली एंड सेकेंड ट्रिक के साथ अप्लाई करके देखना है। थर्ड ट्रिक जब यूज़ करना है जब दोनों ट्रिक ज़्यादा काम नहीं आ रही हो। सो गाइस इस ट्रिक को थर्ड ट्रिक है ये, तो इसमें करना क्या है, जो आपको प्ले स्टोर से GFX टूल डाउनलोड करना है, तो पहले नंबर का जो आएगा वही रहेगा। मैं आपको इसमें दिखा दूँगा, देखिए ये वाला, ये आपको सेटिंग से खिलवाड़ नहीं करना है, यही करना है। तो आपको करना क्या है, इसको स्मूथ में खेल के देखना है, स्मूथ में करना है। तो फर्स्ट नंबर का टूल जो आएगा वही है, तो इससे आपके फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आएंगे और आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सो गाइस हमारी जो लास्ट ट्रिक है स्टोरेज की है, आपको खाली रखना ही होगा थोड़ा बहुत स्टोरेज। अगर आपकी 1 GB 2 GB स्टोरेज खाली है तो आपको बहुत अच्छा चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपका 400-500 MB स्टोरेज खाली है तो बहुत बड़ी बात है, वो चलेगा नहीं आपका, तो आपको खाली रखना पड़ेगा। अब मैं सजेस्ट करूँगा आप SD कार्ड में अपनी फोटो या फाइल्स या वीडियोस को भेज दिया करें, या फिर फोटोज़ ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो फोटोज़ ऐप में आप 2-3 Gmail जितनी जीमेल से जा उसको लॉग इन करके उसमें अपना 15 GB तक कुछ भी चीज़ भेज सकते हैं, गूगल फोटोज़, ठीक है। अब ध्यान रखें ये ट्रिक जब भी बार करेंगे जब आप पूरे स्टेप्स को फॉलो करोगे, रोज़ कैश डेटा क्लियर करोगे, फैन के नीचे बैठोगे, कूल जगह पे स्टोरेज खाली करोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट GFX टूल यूज़ करोगे, वो भी 60 FPS स्मूथ, और बाकी आपकी मर्जी आपको जो करना हो। एंड हाँ, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं बाद में, बाय।